अब आप कहोगे यहां पे पुरुष हैं, आप कहोगे राहुल जी आपने हमें क्यों नहीं दिया, महिलाओं को क्यों दे रहे हो, यह सवाल उठेगा उठेगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष दोनों बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में 8 घंटे फिर से काम करती है। हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं ये दुगना काम करती हैं, इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं, कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। कटाकट कटाकट कटाकट, कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना कटाकट कटाकट कटाकट, उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठा वायदा था। यहां की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी, छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था, नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू किया है। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आपने हमें झूठ क्यों बोला। मैं आपको हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है, योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए कटाकट 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 महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1 लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे। मैं जानता हूं यहां पे मनरेगा के मजदूर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था, प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है, आप मजदूरी करते हो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है, मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको, 250 मिलता है ना, है ना, चुनाव के बाद 400 मिलेगा।
और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी, आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं, आप मेहनत करते हो मगर जब आपको अनाज बेचना होता है, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे पैसे मिलने पड़ते हैं, तब दाम को कम कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर, इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए दो काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है, कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो,